लौंडा निर्विरोध है, वो निर्दोष है बेटा। उस विक्रम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है बहन। बिजली तो प्रधान के घर गई थी, विक्रम ने बुलवाया था उसे। ऐसा कभी नहीं कर सकता है। चलो भैया हम लोग देखते हैं उसको। चलो चलते हैं प्रधान जी की चौपाल को, और वहीं प्रधान जी से मालूम किया जाए बिजली आई थी आखिर कहाँ है। हाँ भैया चलो चलो बहन। हेलो स्टाफ, और आइए दोस्तों इधर देखिए, वही गजाला घूमने के लिए निकलती है और उसी रास्ते से वही डाकू नाग सिंह मिलता आगे तक है गजाला। क्या बताऊं, मैं तो अब्बू जान से तंग आ गई हूँ। मेरे अब्बू प्रधानी के बुबास में घुमा करते हैं, सोचते हैं कि हमारी प्रधानी चल रही है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि हमारी लड़की सयानी हो चुकी है। अब हम का कही उनसे कि हमारे ब्याह कराओ। मैं शादी की योग हो गई हूँ, मेरा शादी अगर हो जाते तो अच्छी बात रही। ओ आई जवानी, अरे मोरी चुंदरिया, सही से सही पी जा। भला अपने बाप को कोई नहीं पहचान सकता? बाप को? अरे अंकल। और ये आ गए अमित गुप्ता एंड मनसा राम गुप्ता की तरफ से चलती हुई सीन पे 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से, धन्यवाद। तुम तो हमारे अब्बू के खास तौर से दोस्त हो, हमारे यहाँ आया करते थे तो गोदी में खिलाया करते थे हमें। अरे अब तो भाई अब तो सयानी हो गई हो। अब तो मैं आज मैंने देखा है कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, पहली बार देखा है। जवानी हन, खूबसूरत हन, तो तुम्हारा का मतलब है कि वह नकटही चिपटही पहलन तनम रही? अरे हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अरे तो तारीफ करो मुझसे करो, यहाँ चढ़े कहाँ पर बाप तेरा प्रधान है, हम नहीं है। अब
पहली नहीं हन, जैसे तुम समझते हो कि ले ले थी हन, पहले रहन। अच्छा, जब हमारे बाप के साथ तुम्हार दोस्ती रहा है, हमारे घर आवत रहा, हमारे अब्बू के साथ बैठ कर चाय नाश्ता करत रहा, हम तुमका अंकल अंकल कहत रहा है, तुम हमका मुन्नी मुन्नी कहत रहो, बिटिया कहत रहो, अब कहे तुम हमारे बाप नहीं बने, अब कहा भतार बनी हो। अफसोस की बात अपना है, पाँव में यहाँ जूता ना है, ना जूती है, खाली मोजे हैं, पता नहीं मोजा मारा भाई पर तुम्हारे। अक्सर हम देखा है चंदुलहन के नियत खराब है। अरे चंदुलहन, और कम से कम 10 मारो, जो बचे हैं भी दे जाए। हाँ यहाँ तुम मारो, यहाँ तुम मारो, मारो। चाहे जितना जूते मारो, चाहे जितने चप्पल मारो, लेकिन ओ भालू जंगल के रे, प्लीज प्यार कर लो। का मांस वास हरहा खाते हो? अरे हम खाते क्या है, हम सब बचा क्या है, तो हमारा आज हम तुमको भी खाएंगे। हां नोच लिया, नोच लिया, क्या कह चाटा में है भौं है बटन की है तुम्हारी, हम नहीं जानते कि अभी तक मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रधान अजमत खान की लौंडिया इतनी जवान हो गई है। जूस पीता है, अनार खाता है, हाय अल्लाह बड़े क्या ला तुम खाओ, क्या ला हम खाए, खाए क्या ला खाते, इसीलिए तो चिकनी हो। बड़ी कातिल है प्यारी तुम्हारी, क्या परेशानी है? दुनिया आगे भागत है, तुम हर में हो झबरो, पीछे भागत हो। बहुत आनंद आ रहा है, जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया, तू क्षमा बल कर जली के गिर जाएगी गंगी, और वे कलमा जे मुझको छीलो गचता।
जाएगी, मांगने से फिर भी ये मिलता नहीं। उंगलियां टेढ़ी कर दी है पड़ती तभी सीधी उंगली से दम की निकल। नस्ल कुत्ते के छछड़े के लट्टू हुआ और किस तरह से तू अंगूर ये खाएगा, क्या लगाएगा जब और गले से मुझे एक छाते में तुम हो। अजमत खान किलोनिया के साथ बलात्कार होगा, बहुत बहुत सी लड़कियों के साथ तेरे बाप ने बलात्कार किया होगा, लेकिन आज आज अजमत खान किलोनिया के साथ बलात्कार होगा। अबू के दिमाग से वाकिफ हो अच्छी तरह से। प्रधानी चल रही है, चलो लेट जाओ। चल लेटे पौड़े हमसे न कहो, लेटे पौड़े तुम्हारी बहनी। अब भाई हमारे खांचा तुम देखे कहाँ मार आ रहा तुमका। चलो लेट जा, हम ना पहुड़ा। चलो लेट जा, ना पहुड़ा मन नहीं मन एक बच्चा। छोड़ पराई नार को बद्रोही बदकार, और तंगली में कर रहा तू बे अत्याचार। हराम जादी, बीच रास्ते में एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शन किस बात की? ये कोई नेक काम कर रहे थे? ये तो पुण्य का काम है। अभी बताते हैं पुण्य का काम है या पाप का काम है। अरे तू जानता नहीं मैं किसका आदमी बे? हाथ उठाना। इस हरामजादे को ऐसा मारो कि ये दोबारा किसी लड़की के साथ बदतमीजी न करे। गजाला जो आज तक दूसरों के साथ करती थी वही आज तुम्हारे साथ हुआ। इसी से कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे साथ कुछ हुआ का? नहीं तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। ये कुछ कम हुआ है। अगर कोई इज्जतदार घर की लड़की होती तुम्हारी जगह तो वो जानती कि हमारे साथ क्या हुआ है।
लेकिन तुम इसी ब्रांड की हो। घर की नहीं, बहुत अच्छे घर की हो। अरे हमारे ऐसे घर की हो जो सिर्फ दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करना जानते हैं, इसीलिए आज तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा था। तुम्हारे आगे हम कहाँ बोल पाए, तुम बगरिया लगे हो, तुम्हारे सबके गाड़ी मुँह से निकले लगा। हाकिम आओ ना। अरे मैं जमाना का पाथा है हमारे अब्बा के नाम से। इससे ज्यादा बात करने में कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चलो और उस मुलजिम को अरेस्ट किया। तुम्हारे अब्बा प्रधान है, तुम्हारे अब्बा प्रधान है, यह मेल कपड़ा पहनावट उनका फटे फटे। अरे जाओ, यही तरह तरह अंगूरी कौन सा तरह नोच डाले से बका का है। क्या कहना है जी, बिचौली बताओ क्या कहा। चौकीदार ये जो कह रही है इसकी बात सुनकर आओ, मैं चल रहा हूँ आगे उस पहाड़ी के पीछे। देखो ठहरो। पूछा था तुम का चाहत हो। हम भतरासी हन, है कोई जुगाड़ अपने अपन नाम रोशन कराइए। कौन कौन आई नाम रोशन कहा चाहत है, कौन आई चाहत है, कौन बिटिया नहीं चाहत, कौन लड़का नहीं चाहत है। जाने बिटिया ते से मैं तुम सनसनानी हमारी बड़ी जाई थी। आपके साहब बहुत अच्छे हैं, खर्च दिमाग के हैं, बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक लाख मोहब्बत हमारे मन में बस गया है, हमें अच्छे लग रहे हैं। अगर हो सके तो अपने साहब से हमारी बातचीत चलाओ। आप अगर चाहेंगे तो मैं साहिबान बन जाऊंगी, फिर तुम्हें खाना खिलाऊंगी पका करके। अरे तुम बात करो, आप इससे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप मांझिया बन जाइए, बीच में मांझी बन जाइए। क्या कह रही है, कुछ कहा थी क्या कह रही। मैंने कहा तुमसे जो कह रहे उसको सुनो और करने के लायक हो तो कर दो और निकलो यहाँ से। सुन के आए हैं। सुन के आए हो तो चला जाए। बाजन साहेब है तो वह हमसे कहा था कि तुम्हारे साहेब बड़े खूबसूरत हैं। क्या हाँ, तो कहा था हम उनसे ज्यादा का करैया हन। अब ले अब यू नहीं यहाँ बिचे भाई कहा क्यों गजाला। चौकीदार से क्या कह रही हो तुम। अरे बस बात समझो, आप तो हाकिम हैं। ड्यूटी पे मौजूद अफसर से बात करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती, और अगर तुम्हें आई लव यू करना था तो अभी वो आई लव यू कर रहा था, क्यों चिल्ला रही थी, खूब जी भर के कर लेती। उसकी शक्ल तुम्हें नहीं अच्छी लगती। हमारे चौकीदार की शक्ल देखो, कितनी प्यारी शक्ल है, देखिए नए डिजाइन के बाहर है, नए कटिंग की मोछे हैं। नहीं नहीं यहाँ जोड़ना है ठीक है, बाहर न जा रहा हो तो मैं और घास नहीं है परी। ये चीज देख कर डराने न चला चलत घिस गए हैं बस, और मौके बाकी तेड़ी बीड़ी मऊ बड़ी बड़ी। अच्छा जब कहूँ शरीर में ताकत हो तो हमारी तरफ देखा। आज तक मैं अंधेरी में खोती आज तक मैं अंधेरे में सोती
माफ हमने किया, आज से प्यार का तुमको तोहफा। ठीक है, मैं भी आपसे लव करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और मुझे एक मुलजिम को अरेस्ट करना है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। संडे को मिलूंगा और जी भर के दोनों प्यार करेंगे। ठीक बताओ, बिल्कुल ये मेरा वादा है। चैलाख तूफा आए और चाहे जान भी अब जाए, मिलके न हो के जुदा जुदा देखिए दोस्तों प्रधान अजमत खान बैठे हैं। गजाला ने हमसे मोहब्बत करने से इनकार कर दिया, खैर कोई बात नहीं, गजाला को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ता जिंदगी याद रखेगी। अब ये हकीकत मैं उसके बाप से खुद बताऊंगा, प्रधान अजमत खान से, कि गजाला और अफसल में लिपट चिपक हो रहा है। जब ये बात अजमत खान सुनेगा तो अफजल के और गजाला को उसे ऐसी सजा देगा कि मौत भी कांप उठेगी। इधर देखिए प्रधान अजमत खान बैठे हैं और वही नाग सिंह पहुंचता आगे होता कहे प्रधान अजमत खान। हराम जदा फिक्रम मुझसे क्या समझता, देखो इज्जत मैंने लूटा और सजा किसको मिली विक्रम को, और इंस्पेक्टर की वो बहन है, इंस्पेक्टर भी हमारा खिताब और उसके नाम लग गया। क्या हुआ? हुआ क्या है? तुम्हारी बिटिया है? क्या हुआ हमारी बिटिया को? हम जानते हैं कि तुम्हारी अपनी बिटिया पे तुम्हें बहुत बड़ा नाज है। क्यों नहीं, बहुत बड़ा फक्र है। अरे वो हमारी बेटी है। बड़े शर्म की बात है यार, तुम्हें अपनी बिटिया कहते हुए। क्या बात है? आज जो कुछ हमने देखा है, अरे हमने देखा तो हमारा सर शर्म से झुक गया। क्या लगा? अभी कहेंगे तो तुम नाराज हो जाओगे। अरे क्या बात है, बोलो। तुम्हारी बिटिया है ना गदाला? हाँ। वो जो इंस्पेक्टर अफजल है ना? हाँ हाँ। अरे यार कुछ कहा नहीं जा रहा है। अरे बात क्या है बताएगा? वो दोनों दोनों ऐसा चिपक रहे थे। हम जानते हैं तुम नाराज हो जाओगे, हम नहीं। प्यारे दोस्तों, इधर प्रधान और नाग में जो बातें हो रही हैं, ये रमजान और शांति पहुंच जाते हैं, ये भी सुन लेते हैं, फिर आगे क्या होता है खेल का गद्र। गजाला और अफजल में प्यार हो गया, प्यार। चुप रहो, हम जानते तुम यही कहोगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा सर तो सर से झुक गया, क्योंकि आपकी बिटिया है ना, अगर आपकी इजाजत होती तो अफजल के वही गोली मार देता। अगर ऐसा है तो हराम जादे आपको अफजल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और बिटिया को और उसे भी,
और ये देखो ये साले अंधेरे जान ने हमारी सारी बातें सुन लिया। हाँ यार चलो चलो इसको जान से खत्म। हरामजादे ने मेरे अब्बू और मेरी फूफू को भी जान से मार दिया। विक्रम मैं आ रहा हूं तेरे पर। नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं फुटबॉल, मैं तुम्हारे पास खुद चलकर आया हूं। आओ आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं कि क्या है, तब तुम चलोगे ना। मैं तुम्हारे चाची और तुम्हारे पिताजी का कातिल हो, तुम्हारे बहन की इज्जत को मैंने लूटा, उसका भी गुनहगार हूं। आओ फंटा।